हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे 1986 की पॉलिसी के बारे में, रिवाइज्ड जो है वो 1992 की पॉलिसी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन तीनों में जो है वो क्या फ़र्क है और आपको कहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम सिनेरियो के बारे में बात करेंगे जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ। इसके बाद जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की बात करेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में PPT में समझाऊंगी, ठीक है। तो हमें बात करनी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। मई 1986 से जो है वो स्टोरी शुरू होती है हमारी। यहाँ पे क्या हुआ था, पार्लियामेंट अडॉप्टेड क्या उन्होंने 1986 की जो पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट अडॉप्ट किया पार्लियामेंट में, ठीक है। 1986 के बाद मई 1990 में, यानी 4 साल बाद, आचार्य रामामूर्ति की चेयरमैनशिप के अंडर, ये कौन थे, यहाँ पे चेयरमैन थे, इनके चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बिठाई गई, ठीक है। उस कमेटी ने क्या किया, रिपोर्ट दी दिसंबर 1990 में। और रिपोर्ट किस बारे में थी, ये जो 1986 की जो पॉलिसी का ड्राफ्ट था यहाँ पे, उसके ऊपर क्या किया था इन्होंने, रिव्यू किया था कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए और ओवरऑल क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1990 में। उसके बाद पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, एक और कमेटी बिठाई गई, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी। तो CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर जुलाई 1991 में श्री एन जनार्दन रेड्डी की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बिठाई गई। आचार्य रामामूर्ति की कमेटी का कोई लेना देना नहीं है, वो यहीं पे जो है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो CABE ने ये जो कमेटी बिठाई जो कि एन जनार्दन रेड्डी की चेयरमैनशिप के अंडर थी, और ये कौन थे, ये चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। अब इनको क्या बोला गया कि आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड, ये जो रिपोर्ट यहाँ सबमिट की गई है इससे रिलेटेड, प्लस एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स जो आपको लगता है होनी चाहिए और क्या क्या मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए आप वो रेकमेंड कीजिए। इन्होंने अब ये जो जुलाई 1991 में जो कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट आई जनवरी 1992 में। इस रिपोर्ट को स्टडी किया, स्टडी क्योंकि ऑब्वियसली आप लंबे टाइम तक एक बार पढ़ते हैं उस रिपोर्ट को अच्छे से, ठीक है। तो मई 1992 में, जनवरी के बाद मई 1992 में CABE की मीटिंग हुई जिसमें वहाँ पे इसको डिस्कस किया गया। तो जो ये मई 1992 है वो जो सेशन चल रहा था वहाँ पे पार्लियामेंट का, एजुकेशन मिनिस्टर ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इस नाम से एक डॉक्यूमेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जो कि इसका रिवाइज्ड फॉर्म था। प्लस उन्होंने यहाँ पे ये जो CABE ने यहाँ से डॉक्यूमेंट दिया था, जो रिपोर्ट दी थी, उसको भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने इसके साथ साथ पार्लियामेंट के सामने रखा। यहाँ से शुरू होता है कि ये जो यहाँ पे जो पॉलिसी में रिवाइज करके जो चीज़ें डली थी उसको आप क्या पढ़ेंगे, आपको दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे गवर्नमेंट की साइट पे। एक होगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसके ब्रैकेट में मेंशन होगा एज मॉडिफाइड इन 1992। अब पॉइंट ये है कि अगर 1992 का रिवाइज डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा है तो जो अनरिवाइज डॉक्यूमेंट था, जो सबसे पहले पेश हुआ था 1986 में, वो कहाँ गया। तो यहाँ पे ये जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं ना, ये बहुत कम मॉडिफिकेशंस हुए हैं, इसीलिए उन मॉडिफिकेशंस को हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ते हैं। इतने मॉडिफिकेशंस नहीं थे कि अलग से एक प्रॉपर जो है पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाया जाए या पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो हमें पढ़ने को मिले। अगर ये मॉडिफिकेशंस ज़्यादा होते तो हो सकता था कि नेशनल रिवाइज पॉलिसी करके हमें सिर्फ ये वाली पॉलिसी देखने को मिलती और हम उसका नाम क्या पढ़ते, 1992 की पॉलिसी। लेकिन ये मॉडिफिकेशंस कम थी इसलिए हम 1986 की पॉलिसी में ही जो है इन रिवाइज्ड मॉडिफिकेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि स्पेशली अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है 1992 की पॉलिसी का, ठीक है। इसके बाद एक और स्टोरी है, वो कहां से शुरू होती है, वो जब 1986 में इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया था, रखा गया था पार्लियामेंट में, जो कि यहां पे मई 1986 की बात है। उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला था कि हम जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंप्लीमेंटेशन या फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है उसके बारे में आपको अगली बार रिपोर्ट करेंगे और बातचीत करेंगे। यानी इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, उसका क्या आएगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन।
और वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आते आते क्या हो गए, 1992 हो गया। तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। बेसिकली वो इसी का एक्सटेंशन है। इसका एक्सटेंशन कैसे है, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी हमारी, इसको कैसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, कैसे जो है उस प्रोग्राम को एक्शन में लाया जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, वो चीज़ हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में पढ़ते हैं। अब जो ये है 1980, आपको दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे गवर्नमेंट की साइट पे अगर आपको पूरी पॉलिसी देखनी है। तो 1986 की जो पॉलिसी मिलेगी उसमें आपको 12 चैप्टर्स मिलेंगे, और जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसमें आपको 23 चैप्टर्स मिलेंगे। 23 चैप्टर यानी कि इन्होंने क्या किया था, 23 टास्क फोर्स जो हैं वो वहाँ पे बिठाए थे, या 23 टास्क फोर्स अलग अलग जगह पे, या अलग अलग जो इस चैप्टर के नाम है ना वही टास्क फोर्स के नाम थे, और उन टास्क फोर्स को उस एरिया में, या जो चैप्टर का नाम है मान लीजिए हायर एजुकेशन है, तो वो उस हायर एजुकेशन में पर्टिकुलरली उसके बारे में उसने जो है जानकारी जुटाई थी, और वो सब चीज़ें आपको उसमें रिकमेंडेशंस मिलेंगी। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में 23 चैप्टर्स हैं अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे, और जो 1986 की रिवाइज्ड पॉलिसी है उसमें आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा सिनेरियो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है, ये वाली पॉलिसी कहाँ मिलेगी, ये वाली कहाँ मिलेगी। प्लस एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कि जो बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा कि जो जनरल बुक्स होती हैं, या यूँ लगा लीजिए कि बहुत लोकल बुक्स होती हैं जहाँ पे आपको सारा सिलेबस शायद मिल जाए, वहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये जो 23 चैप्टर्स हैं वो इन्होंने 1986 की पॉलिसी की हेडिंग के अंडर डाले हुए 23 पॉइंट्स बना के। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि 1986 में 12 चैप्टर्स थे, तो आप 12 पॉइंट्स बनाएंगे स्पेसिफिकली, जो चैप्टर के नाम हैं वो रिकमेंडेशंस में जाएंगे, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जब हम बात करेंगे तो 23 पॉइंट्स जो है वो आप उसमें लिखेंगे एग्जाम में। आपको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। तो ये था सिनेरियो ओवरऑल। अब हम बात करते हैं 1986 की पॉलिसी के बारे में। हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसके सिनेरियो के बारे में हमने अभी अभी जान लिया है, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1968, उसके बाद 1986, और उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इनके जो मेन मोटो है, इनका मेन एम्फोसिस किस चीज पे था अगर हम एक लाइन में डिस्क्राइब करें, और जो है ये किस चीज पे फोकस कर रही है उस टाइम के लिए, ठीक है। 1968 की जो पॉलिसी है वो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग पे थी, जो हमने 1968 की पॉलिसी पढ़ाई तब भी बताया था कि आप रेडिकल मतलब एकदम से, जैसे म्यूटेशन होती है वैसे आप एकदम से जो है बहुत जल्दबाजी में एक स्ट्रक्चर को, जो पूरा नया एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर जो भी आपका है देश का, उसको आप कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं और आप उसको डेवलप्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1986 में जो है वो स्पेशल एम्फेसिस दिया गया रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज के ऊपर, और एजुकेशन को जो है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो इक्वल मिलनी चाहिए सबको, इस चीज के ऊपर फोकस किया आपने। हमें जो डिस्पैरिटीज हैं, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, क्रीड, रेस, सेक्स, जेंडर, किसी भी बेसिस पे जो जो डिस्पैरिटीज हैं, जो जो भेदभाव होते हैं एजुकेशन के फील्ड में, वो नहीं होने चाहिए, इस चीज पे जो है इनका फोकस था। 1992 का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को जो है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि इतना एटली इन्होंने एक मिनिमम प्रोग्राम सेट किया है जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1992 का, कि एटलीस्ट इतना तो हमें अचीव करना ही है एक नेशन के तौर पे, ठीक है। तो ये बात थी। अब हमें बात करनी है 1986 की पॉलिसी में जो 12 चैप्टर्स हैं, आप रिकमेंडेशन जब लिखेंगे तो आप उनको पॉइंट्स बना के लिखेंगे, तो आप ये 12 पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्टरी। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं किसी भी पॉलिसी में, सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी ही होता है, जब भी आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ के देखेंगे। तो इसमें क्या बताते हैं हम कि एजुकेशन का क्या रोल होता है, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है उसके अंदर एजुकेशन का रोल, स्पेसिफिकली देश के, जिस देश की वो पॉलिसी हो उस देश के बारे में जो है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, और एजुकेशन को वो किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं उस बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था, जो 86 की जो पॉलिसी है उसमें ये बोला गया है कि एवरी कंट्री डेवलप्स इट्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्यों डेवलप करते हैं और वो एक्सप्रेस और प्रमोट करने के लिए किस चीज को, जो उनका यूनिक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी होती है, किसी भी देश का जो ट्रेडिशन होता है, जो एक पर्टिकुलरली कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उसको शो करने के लिए वो उनकी एजुकेशन में भी झलके
हैं कुछ हद तक, तो उसके लिए क्या करता है, हर एक कंट्री जो है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करता है ताकि आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं उनसे भी जो है वो निपट सके। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि एज अ कंट्री जो है हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि 1986 की बात हो रही है और भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो अब हम 1986 तक उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं इकोनॉमिकली और टेक्निकल डेवलपमेंट के मामले में कि अब जो ये डेवलपमेंट हुई है इसका जो फल है, इसके जो फ्रूट्स है वो हर सेक्शन के पास पहुंचने चाहिए। ये ना हो कि इसका जो बेनिफिट है वो अपर सेक्शन में रह जाए या फिर जो है लोअर सेक्शन को वो मिले ही ना, तो वो हर सेक्शन को जो है इसके फ्रूट्स मिलने चाहिए, इसका बेनिफिट जो डेवलपमेंट हुआ है देश का इतने सालों में उसका डेवलपमेंट हर देश के नागरिक तक पहुंचना चाहिए। तो ये था इसका मेन मुद्दा जो इंट्रोडक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस हेडिंग्स का ध्यान रखिए कि आप हेडिंग्स ये मेंशन करें तो वो और बेटर हो जाएगा आपके क्वेश्चन के लिए। जो इसका सेकेंड पार्ट है या जो सेकेंड चैप्टर की हम बात करते हैं उस वो बात करता है द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का एक्चुअल में रोल क्या होता है एक नेशन के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल होती है किसी भी देश में किसी भी नागरिक के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं देश का तो वहां की एजुकेशन, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो एजुकेशन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन जो है वो हर तरीके से, चाहे वो साइंटिफिक टेंपर इंक्रीज करने में हो, नेशनल इंटीग्रेशन में हो, इंडिपेंडेंस हो माइंड बॉडी स्पिरिट किसी भी चीज की, सोशलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी, तो एजुकेशन जो है वो हर फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई कर ली तो वो जॉब में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, एजुकेशन आपको एक ह्यूमन बींग बनाती है अगर हम एक लाइन में कहें तो। ठीक है, फिर आता है डेवलप्स मैन पावर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी, और अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली देश का भी उसमें फायदा है कि आप देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एजुकेशन की वजह से एक मैन पावर भी डेवलप होती है। अगर हम एक लाइन में इस एजुकेशन पॉलिसी को की या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, ये जो सेकेंड पार्ट है इसके एस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा कि एजुकेशन जो है वो यूनिक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक एफडी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, तो बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो होगी आपकी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है क्या करेंगे उस पैसे का, अगर आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो अच्छे लेवल का ना हुआ हो। तो ये था सेकेंड पार्ट। जब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो इन्होंने नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की है। अब नेशनल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो 1968 की पॉलिसी में भी था। अब इनका जो कॉन्सेप्ट है 1986 में, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि ये डिस्पैरिटीज को कम कर रही है, उस पे फोकस है इसका, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एजुकेशन में, उस चीज पे फोकस है। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एटलीस्ट एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है वो एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड लोकेशन सेक्स एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ये ना हो कि आप अमीर हैं तो ही आप एक जो है आठवीं तक पढ़ पाएंगे और अगर आप गरीब हैं तो आप आठवीं तक भी नहीं पढ़ सकते, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक ऐसा नेशनल सिस्टम बनाना है एजुकेशन के लिए जो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक जो भी हम डिसाइड करें, जो कि इन्होंने बाद में वो एलिमेंट्री एजुकेशन का तो डिसाइड किया ही था कि आप पांचवीं तक जो है 14 की एज तक हर बच्चे को एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए, जो हमने 2009 का जो RTE एक्ट था उसमें भी पढ़ा। तो ये उस नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 1968 की पॉलिसी ने रेकमेंड किया था कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी 10+2+3 का सिस्टम, ये जो इन्होंने स्कूल लेवल की बात की थी और पूरी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन की बात की थी, तो इस पे इंप्लीमेंट कीजिए आप, इफेक्टिवली इसको जो है इंप्लीमेंटेशन में लाइए। और फर्दर एफर्ट्स, इन्होंने एक और पॉइंट क्या ऐड किया कि आप फर्दर एफर्ट्स क्या कर सकते हैं, जो ये 10th तक की एजुकेशन है इसको आप किसमें, पांचवीं तक की एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर अपर एलिमेंट्री जिसको हम आठवीं तक की एजुकेशन बोल देते हैं, और प्लस 9th और 10th का जो +2 है। तो इस 10 साल को इनमें ब्रेक करने की कोशिश कीजिए और बाकी मतलब आपके एफर्ट्स जो है वो ये 10 जो 10 साल का जो ये पीरियड है इसको प्लस आप
का जो ये 10+2+3 का जो कॉमन स्कूल सिस्टम है इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है आपने, ठीक है। फिर आता है कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो हर स्टेज पे होनी चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि अगर एक पांचवीं तक का बच्चा है और उसने पांचवीं तक पढ़ाई की है एक बच्चे ने, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो मिनिमम कितना सीख सकता है अगर हम पांचवीं तक की बात करें, कि उसको कितना आ जाना चाहिए। तो ऐसे हर स्टेज के लिए, 10th के लिए 10+2 10+3, हर स्टेज के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि मिनिमम लेवल क्या होगा लर्निंग को लेके, ठीक है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना है आपने, चाहे वो यूजीसी हो, एआईसीटी हो, एनसीआरटी हो, इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियोस जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब हम फोर्थ पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वो बात करता है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। तो जब आप एजुकेशन फॉर इक्वालिटी में पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके पॉइंट्स किस किस चीज से रिलेटेड होने चाहिए, इनमें इन्होंने हेडिंग्स क्या दी है, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, कि वुमेन इक्वालिटी के लिए जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए, महिलाओं को भी जो है एजुकेशन का अधिकार है। ऐसे ही एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो ट्राइबल एरियाज में होने चाहिए ताकि उनको दिक्कत ना आए और उन्हें कहीं ट्रेवल करके जाने की जरूरत ना पड़े। रेजिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए जैसे आश्रम स्कूल्स होते हैं, ताकि वहीं पे बच्चे जो है वो रह भी सके, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बात की है एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन जो है, यानी माइनॉरिटीज, हैंडीकैप जो है, या डिसेबल्ड पर्सन हम बोल देते हैं, उसके बाद जो है वो टर्म आई अडल्ट एजुकेशन जो है, जो अडल्ट एजुकेशन को लेके 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो भी चलाया गया था। तो ये सारी चीजें किस पॉइंट पे या किस चीज पे फोकस करती हैं, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के ऊपर जो है ये फोकस करती हैं कि आपको इन इन एरियाज में काम करना है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट फाइव की, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं एजुकेशन की अलग अलग स्टेज के ऊपर। अब ये अलग अलग स्टेज कौन कौन सी हैं, अर्ली चाइल्डहुड से लेके, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएंगी चीजें जब आप कनेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले बच्चा कहाँ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन होगी उसकी, उसके बाद उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन होगी। एलिमेंट्री एजुकेशन में इन्होंने फर्दर पॉइंट्स दिए कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो आपको अपनाना है, ये ना हो कि टीचर जो है वो आके बोल के चला जाए और बच्चे को समझ ही ना आए। तो आपका अप्रोच जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। स्कूल फैसिलिटीज की इन्होंने बात की, जिसमें स्पेशली इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है हम अलग से भी पढ़ेंगे एक बार के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो स्कूल फैसिलिटीज से रिलेटेड है, ठीक है जी। उसके बाद आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे भी आपको काम करना है। फिर है सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर, उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन आएगी, वोकेशनलाइजेशन आएगा कि आप अगर आठवीं या दसवीं तक पढ़ चुके हैं तो आपके पास आगे ऑप्शंस हो कि अगर आपको फर्दर स्टडीज नहीं करनी है तो आप जो है जॉब ओरिएंटेड कुछ कोर्स या डिप्लोमास कर सकें, तो आपको उस पर भी फोकस करना है कि वोकेशनलाइजेशन हो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। फिर आता है हायर एजुकेशन के बारे में, ओपन यूनिवर्सिटीज, हायर के बाद अगर मान लीजिए कोई नहीं पढ़ पा रहा है या जॉब के साथ टाइम नहीं दे पा रहा है, तो ओपन यूनिवर्सिटीज और डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। जॉब्स जो है उनको डीलिंक करना है डिग्री से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो कुछ पर्टिकुलर जैसे एमबीबीएस का कोर्स है या जो टेक्निकल कोर्सेज है, इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो वो जो कोर्सेज हैं उनके अलावा जो है आप ये चीज अपना के देख सकते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज या फिर टीचिंग और ये और जो टेक्निकल कोर्स है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए कि आप जो है एलिजिबिलिटी आपकी हटाई दें आप बिल्कुल और कोई भी है जो है वो टीचर बन रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। डीलिंक करिए आप डिग्रीज को जॉब से, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक और एक पर्टिकुलर कोर्सेज में, ना कि सब कोर्सेज में, ठीक है जी। उसके बाद है रूरल यूनिवर्सिटीज की इन्होंने बात की कि रूरल लेवल पे जो है वो इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम्स जो है वो किस बेस क्या होना चाहिए उनका जो आप ऑर्गेनाइज करेंगे, वो गांधीयन बेसिक एजुकेशन को जो है सपोर्ट करते हो। गांधीयन बेसिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है 1937 की वर्धा स्कीम से, वो भी मैंने आपको करवा रखी है अगर आपने देखा हो तो। उसके बाद आता है पार्ट सिक्स, जिसमें टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की बात की गई है।
अब जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है जब एजुकेशन की बात आती है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की बात की गई है, यानी जो मान लीजिए 10th के बाद जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि वोकेशनलाइजेशन भी हो रहा है उससे। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको इंक्रीज करने हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का मतलब यही निकल के आता है। फिर आता है इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में जो है वो काम होना चाहिए, और हर फील्ड से रिलेटेड जो है आपको R&D जो सेंटर है वो डेवलप करने चाहिए। फिर आता है प्रोमोटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एट ऑल लेवल, कि आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, जो भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने जो है 5वीं या 8वीं कर ली है और उसको जो है ABCD या कैकेगेड अभी नहीं आते, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। ऑल्दो जब आप मैनेजमेंट और टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है चीजें, तो हमें उनको क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, कॉस्ट जो है उनकी किसी भी हालत में कम करने की कोशिश करनी है। तो मैनेजमेंट फंक्शंस और चेंज जो है इस पे आपको फोकस करना है कि चीजों को मैनेज कैसे करना है। फिर आता है इनका 7th पॉइंट, जिसमें ये बात करते हैं मेकिंग द सिस्टम वर्क, कि आप जो भी ये जो है पॉइंट्स की या जो पार्ट्स की या पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, आप इसको वर्कआउट कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेगा। तो उस चीज के लिए इन्होंने क्या कहा कि इनको आप जो है डिसऑर्डर्ड वे में नहीं परफॉर्म करेंगे, दीज टास्क कांट बी परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। तो आप अगर आपके यहाँ माहौल या एनवायरमेंट ठीक नहीं है तो उस चीज में आप जो है ये इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे ग्राउंड लेवल पे। तो इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रेटजी दी कि आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, या फिर आपको सिस्टम को वर्कआउट कैसे करवाना है, कि आप जो है टीचर्स के स्टूडेंट्स के और जो फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे, आप उन चीजों को जो है वो क्या करेंगे, उनमें बदलाव कीजिए और उनके ऊपर जो है फंड्स दीजिए हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनको अपने वे में भी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर सकते हैं अगर आप इनमें पॉइंट्स भूल जाते हैं तो। उसके बाद आता है 8th पार्ट आपका, जिसमें रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कि आपको जो एजुकेशन का प्रोसेस है या जो आप फोकस करना चाहते हैं, आपका जो कंटेंट है, करिकुलम है, वो किस चीज पे फोकस करेगा, ठीक है। तो जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो चीज यहाँ पे हमें इंक्लूड करनी है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जो डिविजन एग्जिस्ट करता है एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में और एक ट्रेडिशनल एजुकेशन में, या जो कल्चरली ट्रेडिशन जो हमारा है उनके बीच का जो गैप है वो हमें फिलअप करना है। ये नहीं है कि एक या तो आप ट्रेडिशन के चक्कर में अंधविश्वास या अंधभक्त बने जा रहे हैं, या फिर जो है आप फॉर्मल एजुकेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा ही साइंटिफिक बन रहे हैं। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना है, ताकि कल्चरल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमने पहली ही लाइन जब हम इस पॉलिसी की बात कर रहे थे तो हमने पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आपने क्या करना है कल्चरली जो है आपकी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कोई भी कंट्री क्यों डेवलप करता है, ताकि उसका जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो जो कल्चरली या ट्रेडिशन वाइज जो है वो गैप इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको इस गैप को फिलअप करना है, ब्रिज करना है या ब्रिज बनाना है इस गैप के बीच में, ये गैप नहीं होना चाहिए बेसिकली। वैल्यू एजुकेशन पे आप फोकस करेंगे। लैंग्वेजेस की जो बात 1968 की पॉलिसी में बोली गई है वो चीज आप बहुत एनर्जेटिकली और पर्पजफुली उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिकली 1968 जो है वो हमारी पहली पॉलिसी थी एजुकेशन को लेके, और वो इनका मानना था कि काफी अच्छी थी अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है बुक्स एंड लाइब्रेरीज जो हैं, बुक्स जो है वो लो प्राइसेस पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि एजुकेशन में कोई रुकावट ना हो। मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की इन्होंने बात की कि रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो इलिटरेट करने के लिए, इलिटरेसी इंक्रीज करने के लिए या प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए आपको प्रोग्राम्स चलाने हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो कि कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट में बात हुई थी और उसी से रिलेटेड फिर सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन मोस्टली चीजें 68 की पॉलिसी में डाल दी गई थी, तो वहां पे भी जो है वर्क एक्सपीरियंस क्या था, इंटीग्रल पार्ट था, और इन्होंने भी उस चीज को मेंशन किया। फिर आगे अगर हम आगे इसी पॉइंट में पढ़े तो क्या आता है, एजुकेशन और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है वो एजुकेशन जो है वो एनवायरमेंट से काफी हद तक रिलेट करती है। अगर आपका एनवायरमेंट ठीक नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक कॉन्शियस और अच्छा एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो आपको बच्चों को देनी है कि जो यूथ है और एडल्ट्स हैं उनको अवेयर करना है। किस बारे में अवेयर करना है,
फैमिली प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड के बारे में आपको उनको क्या करना है, अवेयर करना है, मतलब उनको बेसिकली आप समझाइए कि फैमिली प्लानिंग नाम की भी एक चीज होती है, और क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी इंक्रीज होती जा रही थी उस टाइम पे अगर हम देखें, और इंडिया की पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आपको पॉपुलेशन की एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, आपको सबको ये समझाना जरूरी है कि बच्चे को सिर्फ पाल देना, मतलब आप उसको बड़ा कर रहे हैं, और एक जो है अच्छी परवरिश देना, तो इन दो चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि बच्चा जो है एक बार पैदा हो गया तो पल तो वो वैसे भी जाएगा, ठीक है, वो उसको उसको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो सिचुएशंस कैसे भी हो उसके आसपास, अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं वो भी बड़े होते हैं, जो सड़क पे जो अगर किसी बच्चे को छोड़ दिया जाता है बचपन में ही, वो बच्चा भी बड़ा तो होता ही है चाहे वो किसी भी हालात में बड़ा हो, तो बच्चे को बड़ा करना या पालना और बच्चे को अच्छी परवरिश देना, इस चीज में आप उनको मतलब समझाइए कि पेरेंटहुड का, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो पॉपुलेशन एजुकेशन पे इन्होंने बात की। मैथमेटिक्स और साइंस की एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि साइंटिफिक टेंपर जो है वो इंक्रीज किया जा सके। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को जो है उसको इवैल्यूएशन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाना चाहिए, ये ना हो कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बन के रह जाएं। तो हमें जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, बेसिकली जो रिजल्ट आता है हमारा, उसमें जो है इन सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाना चाहिए। योगा जो है उसको स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए। रोल ऑफ यूथ जो है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहां पे इन्वॉल्व किया जाना चाहिए सोशल चीजों में, यानी एनसीसी या एनएसएस जो देश के लिए कुछ चीजें काम आए, वहां पे जो एजुकेशन के लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन चीजों को इन्वॉल्व, इन चीजों में यूथ को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर आता है इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, जिसमें इन्होंने एक अच्छा और रिलायबल मेथड जो है इवैल्यूएशन का होना चाहिए, सिर्फ रिटन एग्जाम्स जो है वो इवैल्यूएशन का मेथड ना हो, ये इन्होंने बात की थी। नाइन्थ पार्ट जब हम इसका पढ़ते हैं तो ये टीचर के ऊपर इन्होंने स्पेसिफिकली एक चैप्टर या एक पार्ट बनाया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो सोशियो कल्चरल इथोस हैं मतलब देश के या सोसाइटी के, कि किस तरह की सोसाइटी है, वो आपके टीचर की स्टेटस से पता चल जाता है, क्योंकि टीचर जो है वो एक बहुत ही नोबल और प्रोफेशनल वर्क है, जो अगर तो अगर जिस हालात में आप देश का टीचर है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि देश की जो है सोशियो कल्चरल सिचुएशन कैसी है। तो जो गवर्नमेंट है प्लस जो कम्युनिटी है उनको टीचर्स के लिए ऐसी कंडीशंस जो है वो क्रिएट की जानी चाहिए ताकि वो टीचर बनने में बच्चों को या जो अडल्ट है यूथ है उसको इंस्पायर करे। तो जो टीचिंग एनवायरमेंट है, जो फैसिलिटीज है, कंडीशंस है, वो अच्छी होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग टीचर्स जो है वो मेरिट बेस्ड पे, ऑब्जेक्टिविटी, कन्फॉर्मिटी विद स्पेशल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली आपको एक क्राइटेरिया जो है वो आपका होना चाहिए पर्टिकुलर, जिसमें आप जो है मेरिट बेस पे और आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस बेसिस पे आप क्या करें, टीचर्स को रिक्रूट करें। फिर आता है टीचर एजुकेशन जो है, अब टीचर्स तो आप रिक्रूट कर लेंगे लेकिन जो इन सर्विस और प्री सर्विस एजुकेशन है उस पे आपको फोकस करना है, डाइट्स को जो है एस्टेब्लिश करना है प्री सर्विस और इन सर्विस कोर्सेज के लिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि 10th पार्ट है, कि आप एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो जो इवोल्यूशन है हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच जो है वो हमें अपनाना है जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, प्लस वुमेन जो है उनको भी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें, इन्होंने मैनेजमेंट की बात की है ना एजुकेशन को लेके, तो जब हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हमारे पास सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ऐसा ही जो है बोर्ड हमें इसी लाइंस पे, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है इसी लाइंस पे हमें स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो बनाना है, ठीक है, जो कि स्पेशल अटेंशन देगा किसको, कि एजुकेशनल प्लानर्स जो है बेसिकली जो डाइट में मान लीजिए टीचर्स को जो पढ़ाएंगे, जो टीचर्स को भी एजुकेशन देंगे या प्लान करेंगे चीजों को, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होंगे या जो इंस्टीट्यूशंस के हेड होंगे, उनको जो है एजुकेट करने में या उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है ये काम करेगा। तो ये होना चाहिए। प्लस जो है इन्होंने बात की कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जैसे IAS होता है, IES जो है एक इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होता है, वैसे ही इंडियन एजुकेशन सर्विसेज भी जो है वो देश में होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है स्कूल एजुकेशन के लिए क्रिएट किया जाना चाहिए, जिसका मेजर रोल क्या होगा, वो स्कूल इंप्रूवमेंट का होगा।
और जो स्कूल इम्प्रूवमेंट है वो रोल किसको भी दिया जाना चाहिए, लोकल बॉडीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, वर्ड मेंशन कर रहे हैं, और जब हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं यानी कि हम लोकल बॉडीज से लेके नेशनल लेवल तक सभी चीजों को या सब एजुकेशनल बॉडीज को या जो और लोकल बॉडीज या पंचायत है उनको हम इंक्लूड करके एक एजुकेशन के लिए बहुत मैनेज्ड सिस्टम जो है हम बनाना चाह रहे हैं। फिर आता है कि जैसे हमने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप वॉलेंट्री एजेंसीज जो हैं या जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पार्शियली एडेड है या फुल्ली एडेड है, उनको इंक्लूड कीजिए। जो एनजीओज हैं आप उनको एनकरेज कीजिए, या कोई सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप है जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं इन चीजों में, आप जो है मैनेजमेंट के लिए उनको भी इंक्लूड कीजिए इंप्रूवमेंट के लिए। प्लस आप जो है, आपको क्या रोकना है, कमर्शलाइजेशन रोकना है एजुकेशन का, यानी एजुकेशन को जो है एक कमर्शियल लेवल पे या एक धंधा बनने से रोकना है। एजुकेशन जो है सबको मिलनी चाहिए और जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो आपको प्रिवेंट करना है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को। फिर आपको जो है रिड्रेस ऑफ ग्रेवेंसेज, यानी जो इश्यूज आएंगे अब यहाँ पे नेशनल या स्टेट लेवल पे, तो वो आपको क्या करना है, एजुकेशनल ट्राइब्यूनल्स जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि नेशनल और स्टेट लेवल पे जो जो इश्यूज आए वो जो है इन ट्राइब्यूनल्स में सोल्व किए जा सके। 11th पार्ट की जब हम बात करें तो रिसोर्स और रिव्यू की बात आ गई, यानी कि आपने इतना बड़ा जो है 10 पॉइंट का या इतनी बड़ी रिपोर्ट तो बना ली, अब आप ग्राउंड लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, तो जो फंड है उनको मोबिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कीजिए, डोनेशंस जो है कोई वॉलंटियरली देना चाहता हो तो वहां पे जो है उस चीज पे भी फोकस होना चाहिए कि आपको बेसिकली रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं कैसे भी करके। कुछ गवर्नमेंट देगी, कुछ जो है डोनेशंस आएंगे, तो वो मिक्सअप करके आपको क्या करना है, आपके पास बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हमने बात की थी कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बेटर है, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपने ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं की तो वो बहुत सीरियस होने वाले हैं, और जो कॉस्ट होगी कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को, वो भी जो है क्या होगी, अनएक्सेप्टेबल होगी। यानी आपको वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन प्लस रिसर्च, इन चीजों पे फोकस करना है, इन चीजों के लिए भी पैसा देना है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, जो कि 1968 की पॉलिसी में बोला गया था कि जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन को जाना चाहिए। यही बात इन्होंने बोली 1986 की पॉलिसी में, कि जो उन्होंने बोला था 1968 की पॉलिसी में वो सही है, और आप जितना ज्यादा हो सके उतना जो है परसेंट जीडीपी का क्या करेंगे, एजुकेशन को देने की कोशिश कीजिए। हर 5 साल में जो है वो रिव्यू होना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स के ऊपर जो है अप्रेजल्स होनी चाहिए, बेसिकली आपको चेक करते रहना है जो चीजें आपने अभी बोली हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। 12th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इनका, वो इन्होंने द फ्यूचर हेडिंग करके बात की कि एजुकेशन का एक्चुअल में फ्यूचर क्या होगा। तो इंडिया का जो एजुकेशन का है, एजुकेशन का जो फ्यूचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में हम प्रिसाइजली नहीं बता सकते कि हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो आगे इंप्लीमेंट अच्छे से हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, या क्या क्या इश्यूज जो है वो उसमें आ सकते हैं। लेकिन मेन टास्क, हमें मेन काम क्या करना है, हमें जो जैसे पिरामिड होता है ना कंप्लीट, तो उस पिरामिड का जो बेस होता है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। किसी भी जो अगर आप घर बनाते हैं तो उसकी नींव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब आप एजुकेशन की या देश की बात करते हैं तो एजुकेशन जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आपको जो बेस है वो स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करनी है एटलीस्ट, बाकी जो होगा वो आगे देखी जाएगी। ठीक है जी। ये तो हो गए 12 के 12 पार्ट जो हमने 1986 की पॉलिसी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।